नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज हम आपको पूरे विश्व में मनाए जाने वाले इस उत्सव की कुछ झलकियां दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें, 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा बाबा नानक में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उस कार्यक्रम की कुछ झलक देखें। उसके बाद पाकिस्तान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की ओर से इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वहीं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड सहित विश्व के अनेक भागों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे विश्व गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को एकजुट होकर किस ढंग से इस उत्सव को मना रहे हैं, और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। साथियों, गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। गुरु नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारे बोल, हमारी वाणी, ये सब गुरु नानक देव जी जैसी पुण्य आत्माओं द्वारा ही गढ़ी गई है। जब गुरु नानक देव यहां सुल्तानपुर लोधी से यात्रा पर निकले थे, तो किसे पता था कि वो युग बदलने वाले हैं। उनकी वो उदासियां, वो यात्राएं, संपर्क, संवाद और समन्वय, इससे सामाजिक परिवर्तन की बेहतरीन मिसाल है। अपनी यात्राओं का मकसद स्वयं गुरु नानक देव जी ने बताया था, बाबे आखिया नाथ जी सचू चंद्रमा कुड़ू अंधारा, कुड़ू अमावसी बरतिया हम भालण चढ़िया सांसरा। साथियों, वो हमारे देश पर, हमारे समाज पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार की जो अमावस्या छाई हुई थी, उससे बाहर निकालने के लिए निकल पड़े थे। गुलामी के उस कठिन कालखंड में भारत की चेतना को बचाने के लिए, जगाए रखने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, एक तरफ गुरु नानक देव जी ने सामाजिक दर्शन के जरिए समाज को एकता, भाईचारे और सौहार्द का रास्ता दिखाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाज को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की भेंट दी जो सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान पर टिकी है। उन्होंने सीख दी कि सच्चाई और ईमानदारी से किए गए विकास से हमेशा तरक्की और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। उन्होंने सीख दी कि धन तो आता जाता रहेगा, पर सच्चे मूल्य हमेशा रहते हैं। उन्होंने सीख दी है कि अगर हम अपने मूल्यों पर अड़िग रहकर काम करते हैं, तो समृद्धि स्थायी होती है।